हरियाम दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे और एक वीडियो में। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का वीडियो में बना रहे दोस्तों बजरंग बली की मूर्ति। पहले तो बना लेंगे एक बेस को। बेस को बनाने के लिए दोस्तों थोड़ा सा मिट्टी लेंगे और उसको दोस्तों इस प्रकार से स्क्वायर शेप में इसी प्रकार से बना लेंगे। भैंस को बना देने के बाद अभी कुछ इस प्रकार से कॉयल बना लेंगे, एक लंबा सा कॉयल, और उसे पैर बना देंगे कुछ इस प्रकार से। फिर इसी प्रकार से दोस्तों धीरे धीरे करके मिट्टी ऐड करते जाएंगे और बनाते जाएंगे। बने रहिएगा वीडियो में इसी प्रकार से। दोस्तों दोनों पैर बना देने के बाद कॉयल बचा हुआ था उसे हमने यू शेप में कुछ इस प्रकार मोड़ देंगे और उसे कुछ इस प्रकार से बेस से ज्वाइंट कर लेंगे और उसी पे दोस्तों दोनों पैर को कुछ इस प्रकार से बना देंगे। दोनों पैरों को बना देने के बाद गोला करके मिट्टी ले लेंगे कुछ इस टाइप से और दोस्तों थोड़ा बहुत चपटा भी कर लेंगे और उसी को हमने कुछ इस प्रकार से वहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे पैर के साथ। और पीछे के साइड भी थोड़ा बहुत मिट्टी दे देंगे क्योंकि बाद में गिर सकता है, इसलिए वहाँ पे पीछे भी मिट्टी दे देंगे। और अभी इस पैक को बना रहे हैं कुछ इस टाइप से, तीन लंबा लंबा कॉयल बना लेंगे छोटा छोटा और कुछ इस प्रकार से वहाँ पे चिपका देंगे और बाद में टूल की मदद से बना देंगे वहाँ पे। सिक्स पैक को बना देने के बाद भी हमने पतला पतला स्लेब लेंगे इस टाइप से और उसी को हमने धोती बना रहे कुछ इस टाइप से, जो कि इसी टाइप से बनाते जाएंगे और मिट्टी जहाँ जहाँ पे जरूरत है उसी पे दे देंगे इस प्रकार से। और बीच में कुछ इस टाइप से थोड़ा सा मतलब कॉयल बना लेंगे लंबा सा और उसे प्रेस करके चपटा करके वहाँ पे बना देंगे। दोस्तों धोती को बना देने के बाद अभी बेल्ट को बना रहे। बेल्ट को बनाने के लिए दोस्तों हमने छोटा सा बॉल की तरह बना लेंगे और उसी को वहाँ पे प्रेस कर देंगे बीच पे, और साइड साइड पे हमने छोटा छोटा पतला पतला कॉयल बना लेंगे और उसी वहाँ पे साइड पे चिपका लेंगे और थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि वहाँ पे डिज़ाइन बना सके। और अभी हमने धोती के ऊपर जो कि फोल्ड को बना रहे टूल की मदद से कुछ इस टाइप से वहाँ पे लकीर खींच लेंगे और बना लेंगे। बेल्ट को बना देने के बाद अभी बना रहे हाथ को। हाथ को बनाने के लिए भी हमने यूज़ किया है कॉयल को, पतला पतला कॉयल बना करके कुछ इस टाइप से हाथ को बना लेंगे दोस्तों। हाथ को बना देने के बाद कुछ इस टाइप से ज्वाइंट कर लेंगे, जो कि भगवान श्री राम और सीता मैया को प्रणाम करने वाला हनुमान जी बना रहे दोस्तों। दोस्तों सीता मैया और श्री राम की बनाने का वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा। और एक बात दोस्तों, हमारा वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा आगे इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। दोस्तों हाथों को बना देने के बाद अभी उंगलियां को बना देंगे कुछ इस टाइप से टूल की मदद से। उंगलियां बनाने के साथ साथ हाथों को गहना भी बना लेंगे कुछ इस प्रकार से, पतला पतला कॉयल बना करके कुछ इस टाइप से वहां पे चिपका देंगे और बीच पे छोटा छोटा बॉल की तरह बना लेंगे और उसी दोस्तों वहां पे भी चिपका लेंगे और डिजाइन भी थोड़ा बहुत कर लेंगे कुछ इस प्रकार टूल की मदद से। हाथों का गहने को बना देने के बाद अभी बना रहे गले का हार को।
दोस्तों गले का हार को बनाने के लिए हमने पतला सा कॉइल लेंगे और उसी को वहाँ पे चिपका देने के बाद छोटा छोटा बॉल बना करके साइड साइड पे कुछ इस प्रकार चिपका लेंगे और उसी को टूल की मदद से कुछ इस प्रकार से डिजाइन बना लेंगे। गोले का हार का बना देने के बाद अभी बना रहे फेस को, फेस को बनाने के लिए हमने थोड़ा सा मिट्टी ले लेंगे फेस के हिसाब से गोल करके। पहले तो मुकुट को बना रहे हैं क्योंकि पहले फेस को बना देंगे तो मुकुट बनाने के समय पे फेस पे डैमेज हो सकता है, इसीलिए मित्रों पहले तो मुकुट को बना लेंगे। चलो कुछ इजी प्रोसेस में बना देते हैं मुकुट को, इसी तरह बने रहिएगा वीडियो में, मिलते हैं वीडियो के अंत में। दोस्तों बजरंग बली का गदा को बनाने के बाद दोस्तों हमारा मूर्ति जो कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि आज का वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब, नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।